दर्शक मित्रों नमस्ते, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीजा विंडो पार्ट 31 हिंदी सीरीज में स्वागत करता हूँ। और आज की बात आपको बताऊं उससे पहले आप सबको मैं नए साल की मुबारकबादी देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 2021 ये कहता हूँ। डॉक्टर सुधीर शाह, आपने सबको हैप्पी न्यू ईयर विश तो कर दिया, लेकिन क्या सच में जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनके लिए ये साल 2021 सचमुच हैप्पी रहेगा? जरूर रहेगा। और इसका कारण ये है कि ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का अभी इलेक्शन हुआ उसमें जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत से मतों से हराया है, अब 20 जनवरी 2021 से जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने 4 साल के दरमियान जो रेसिस्ट पॉलिसी अख्तियार की थी, उन्होंने जो अलग अलग प्रकार के बान लगाए थे, मुस्लिम बान, रेफ्यूजी बान, असाइलम बान, प्रेगनेंसी बान, यानी कि जो औरतें अमेरिका जाके अपने संतानों की डिलीवरी करना चाहती है ताकि उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिले, उनको भी नहीं आने देना, तो प्रेगनेंसी बान, हेल्थ इंश्योरेंस बान, पब्लिक चार्ज रेगुलेशन, ये सब अलग अलग प्रकार की पाबंदियां लगाई थी। वो जो बाइडेन जैसे ही 20 जनवरी 2021 को अमेरिका का प्रेसिडेंट पद संभालेंगे, व्हाइट हाउस में एंटर होंगे, तो वो सब दूर कर देंगे। उतना ही नहीं, उन्होंने सोचा है कि अमेरिका की एक नई इमिग्रेशन की पॉलिसी बनाए, उनके जो नियम है, उनके जो रूल्स है, उनके जो लॉज है, उसमें चेंज लावे ताकि अमेरिका एक इमिग्रेंट का देश वापिस हो जाए। अच्छा, तो जो नए प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जो बाइडेन, वो अमेरिका के इमिग्रेशन में नई पॉलिसी लाना चाहते हैं? जी हाँ। ओ हाँ, अरे मैं इनका परिचय तो दूं आप सबको को। ये है मिस्टर जस जोशी, यूएसए वीजा विंडो के मार्केटिंग मैनेजर है। उतना ही नहीं, बड़े अच्छे एक्टर है, और ये जो इमिग्रेशन की दुनिया के कई एपिसोड है उन्होंने उसमें काम भी किया है। और स्टूडेंट वीजा, अमेरिका के स्टूडेंट वीजा में वो एक्सपर्ट है। अगर आपको कोई अमेरिका के स्टूडेंट वीजा के बारे में या अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए तो मिलिए जस जोशी को। हाँ, तो आपने क्या बताया था कि मिस्टर जो बाइडेन जो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो यूएस के इमिग्रेशन में नई पॉलिसीज लाना चाहते हैं? जी हाँ, उनका मानना ये है कि अमेरिका जो एक इमिग्रेंटों का देश है, जिसकी पॉलिसी ये थी कि दुनिया के सभी लोग जो अपने देश में परेशान हैं या जो तरक्की करना चाहते हैं उनको अमेरिका में आना देना चाहिए, अमेरिका के दरवाजे खुले रखना चाहिए। हाँ, जो कायदे बनाए हैं इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट, उसके जरिए जिसकी जिसकी लायकात है वो सबको आने देना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया था, इमिग्रेशन की पॉलिसी रेसिस्ट बना दी थी, मुस्लिम को वो अमेरिका में आने देने नहीं चाहते थे, इंडियंस, चाइनीज, एशियन उनको नहीं भाते थे, अरे अफ्रीकन को बोलो बहुत ही तुच्छकार से बुलाते थे, तो ये सब दूर हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिसरों को ऐसा बताया था कि आप उनको पावर दे दिया था कि अगर एयरपोर्ट में आप जाते हैं और कुछ ऐसा लगता है कि आपको अमेरिका में जाने देना नहीं चाहिए लेकिन आप जाना चाहते हैं,
तो कायदा ये है, कानून ये है कि आपको इमिग्रेशन जज के पास खड़ा करना चाहिए और वो जज तय करेगा कि आपको अमेरिका में आने देना चाहिए या नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऑफिसरों को सत्ता दे दी कि आप उनको खुद ही निकाल दो, एयरपोर्ट से ही वापस भेज दो, तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएगी। जो लोग पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस मांगते हैं, उनके ऊपर बहुत ही त्रास, बहुत ही क्रूअल्टी होती थी, बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी थी, तो ये सब दूर हो जाएगा और अमेरिका फिर से एक इमिग्रेंटों का देश हो जाएगा, उसके दरवाजे वापस खुले हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर दी आपने। मतलब सचमुच अब अमेरिका इमिग्रेंटों का देश बन जाएगा, है ना? राइट, यस। और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो उसके रूट्स इंडियन है जी, तो नेचुरली उसको भी इंडियंस की तरफ लगाव होगा। और उनकी पॉलिसी भी ऐसी है कि जो सही लोग हैं उनको अमेरिका में आने देना चाहिए। तुम्हें मालूम है जस, आज अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इलीगली रह रहे हैं। जो अमेरिका देसी ऐसा है कि सबको वहां जाने की इच्छा होती है और सब लोग कानून की तरफ से जा नहीं सकते हैं, अगर उनको वीजा लेना है तो ठहरना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग इलीगली वहां जाते हैं। लेकिन वो अमेरिका को मदद करते हैं, जो काम अमेरिकन्स नहीं करते हैं वो काम वो करते हैं, जो इंटेलिजेंट है वो भी वहाँ ऐसे जाते हैं, अमेरिका में टैक्स भरते हैं और अमेरिका में कोई गलत काम नहीं करते हैं। ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो जिनके माँ बाप अमेरिका में इलीगली गए थे, तभी वो बच्चे थे 10 साल 5 साल 8 साल के, अब वो बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख के होशियार हो गए, लेकिन उनका स्टेटस इलीगल है। तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ये चाहती है कि ये जो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इलीगली रहते हैं, छुप छुपा के रहते हैं, हालांकि काम तो अच्छा करते हैं, अमेरिका को मदद करते हैं, उनका स्टे लीगल कैसे किया जाए, ऐसा कानून वो बनाएंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका का 2021 में एक नया इमिग्रेशन का कानून बनाना चाहते हैं, जिससे कि हर एक आदमी विश्व का, कोई भी देश का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उसका शरीर का रंग कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, अपने जैसा ब्राउन हो, सबको एक सरीखे राइट मिलेंगे। तो अमेरिका अब फिर से इमिग्रेंटों का देश बन जाएगा, उसके जो बंद द्वार प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद किए थे वो खुल जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है आपने। आई होप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल लगी होगी। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मैंने आप सबको हमारे जो पहले के वीडियोज़ है उसमें बताया था कि डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट हॉस्पिटलाइज थे, फॉर 27 डेज ही वॉज ऑन वेंटिलेटर, लेकिन वो कोविड से लड़कर अब वापस आ चुके हैं आपके सामने। तो 2020 के एंड में जो हम आपको जानकारी दे रहे थे वो पूरी बराबर से दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर सर बराबर वीकनेस थी उन्हें काफ़ी। तो अब 2021 के साल में हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन देते रहें और मिस्टर जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो जो भी चेंजेस लाएंगे इमिग्रेशन के बारे में, उसके बारे में हम आपको रेगुलरली अपडेट्स देते रहेंगे। और दर्शक मित्रों, मैं वापिस दोहराता हूँ कि अगर इमिग्रेशन के बारे में आपको कोई भी तकलीफ हो, वीजा लेने में कोई दिक्कत होए, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और एक बात मैं और भी आप ये नए साल में क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ है इमिग्रेशन के बारे में तो मैं हूं ना, तो उसका मतलब ये है कि मैं एक प्रोफेशनल की ढंग से
एक इमिग्रेशन के लॉयर की डब से आपको मदद करूँगा, तो जाहिर है कि मैं अपनी फीस भी लूँगा। ये एपिसोड तो हम आपको जो जानकारी देते हैं एपिसोड में वो फ्री में देते हैं। हमने करीबन 60-70 यूट्यूब के ऊपर एपिसोड रखे हैं जिसमें आपको फ्री में जानकारी मिलती है। मैं हर हफ्ते न्यूज़पेपर में इसके बारे में लिखता हूँ, तो ये सब मैं फ्री में देता हूँ। लेकिन अगर आपकी पर्सनल कोई तकलीफ हो और आप मुझे कंसल्ट करेंगे तो मैं आपको फीस तो चार्ज करूँगा ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस चार्ज करते हैं, वो आपकी जान बचाते हैं लेकिन फीस तो लेते हैं ना। क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो मैं जब आपको बोलता हूँ कि मैं हूँ ना, उसका मतलब ये है कि मैं जानकारी देने के लिए उपलब्ध हूँ। आपको कोई भी तकलीफ होवे यूएसए इमिग्रेशन के लिए आप मेरा संपर्क कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल के नाते, एक एडवोकेट के नाते आपको मेरी फीस तो देनी पड़ेगी, है ना? सही बात कही आपने। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये लुक पसंद आया हो, ये एपिसोड के द्वारा आपको अच्छी जानकारी मिली हो, ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो हमारे इस एपिसोड को शेयर कीजिए, इमिग्रेशन की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, ये एपिसोड पर कमेंट कीजिए, जो बेल बटन है उसको दबाइए ताकि आपको जो नए वीडियोज आए हम जो बनाए उसके बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहे, और लाइक कीजिए।